हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्रिएटिव आर्ट। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉडर्न गणेशा, जिसे हम बना के अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक थर्माकोल। ज़रूरी नहीं है थर्माकोल जो है आप नया लेके आओ, आप घर पे भी हमारे पास में बहुत से थर्माकोल्स होते हैं जो वेस्टेज पड़े होते हैं, तो आप उनका यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे कोई बाज़ार से न्यू थर्माकोल नहीं लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थर्माकोल है बिल्कुल पुराना है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हम पहले अच्छे से इसे शेप ड्रॉ कर लेंगे, जो भी हम शेप यहाँ पे देना चाहते हैं, फिर इसे अच्छे से कटर से हम कट करेंगे। प्लीज़ अगर आप कटर का यूज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुली आप इसे यूज़ करिएगा। आगे की जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो थर्माकोल है एकदम बड़ा साइज़ का नहीं था, तो हम इस तरह से अलग अलग पार्ट में ये जो डिज़ाइन है कट करके फिर इसे पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो गणेश जी का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, वो अलग अलग तरह से हम जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा थर्माकोल अगर हमारे पास में होता तो हम डायरेक्ट कट करके और बना सकते हैं, बट अगर आपके पास में पुराने थर्माकोल्स हैं तो इस तरह से आप बीच बीच में इसे कट करके भी बना सकते हैं। थर्माकोल यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोटा लेना है, पतला थर्माकोल यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर आप दूसरा वर्क करोगे तो थर्माकोल टूट जाएगा बीच में ही। इसीलिए थोड़ा सा जो मोटा थिक थर्माकोल आता है इसे हमें यूज़ करना होगा, और इसे प्रॉपर अच्छे से कट करना है यहाँ पे हमें, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हमने पेस्ट करने के लिए फेविकॉल और स्टिक का यूज़ किया है। अगर आप स्टिक का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे तो फेविकॉल एकदम अच्छे से एकदम जल्दी से नहीं सूखेगा, उसे थोड़ा सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हमें इसमें स्टिक की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे कोई भी जो स्टिक आपको मार्केट में मिल जाएगी, छोटी छोटी स्टिक्स भी आती हैं, तो आप अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि फेविकॉल एकदम से नहीं सूखेगा, तो आपको आगे का जो प्रोसेस है करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो हमें स्टिक हमें इसमें लगा के फिर हम आगे का प्रोसेस इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि फेविकॉल भी आराम से सूख जाएगा बाद में, तो हम भी लेट नहीं होंगे इससे। तो स्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, तो प्लीज़ यहाँ पे स्टिक का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे हम मॉडर्न गणेशा बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मैंने और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं गणेश जी की, जो मैंने डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के मैंने गणेश जी अलग अलग टाइप के गणेशा यहाँ पे सिखाए हैं, आप चाहें तो वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल गणेश हैं वो भी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन दे रखा होगा उसे भी क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि और भी जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो सबसे पहले उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक आ जाएगी, और आप अच्छे से वीडियोस देख पाएंगे। और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और साथ ही साथ में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी जो पिक है अपने आर्ट के रिगार्डिंग, बहुत सारी वीडियोस और पिक अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिक का यूज़ किया है, फेविकॉल लगाना ज़रूरी है, फेविकॉल के साथ में हमें यहाँ पे स्टिक लगाना भी ज़रूरी है। अब हम टेबल पे यहाँ पे पॉलीथीन बिछाएंगे ताकि हमारी टेबल गंदी ना हो। अब हम यूज़ करेंगे वाइट सीमेंट, फेविकॉल और वाटर का। हमें ये ध्यान रखना है जितना हम वाइट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर 2 चम्मच हमने वाइट सीमेंट का यूज़ किया है तो 2 चम्मच ही हमें फेविकॉल का यूज़ करना होगा, और वाटर का यूज़ हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ये हम पेस्ट बना रहे हैं उसे हम ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो उस अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे वाटर का यूज़ करेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने जो ये गणेश जी का स्ट्रक्चर रेडी किया है उस पर हम अच्छे से इसे लगा देंगे। इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उसमें भी हमें अच्छे से ये पेस्ट अच्छे से लगाना है। यहाँ पे हमें कोई भी नाइफ या कोई भी टूल का यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इमर्शन और फेविकॉल का। सेम प्रोसेस है जितना हमें यहाँ पे इमर्शन, अगर आपने 2 चम्मच का यूज़ किया है तो 2 चम्मच ही फेविकॉल का यूज़ करना है हमें। ये हम यहाँ पे इस पे टेक्सचर देने के लिए पहले ये लगाएंगे, तो इस पेस्ट को पहले अच्छे से हमने ब्रश की हेल्प से पूरे अच्छे से लगाना है और फिर हम इस पे टेक्सचर क्रिएट करेंगे। टेक्सचर आप कोई सा भी लगा कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इस तरह से कुछ ही यहाँ पे टेक्सचर बना रही हूँ अभी। तब जब हम कलर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ पे पेपर मेशी का यूज़ करेंगे। पेपर मेशी का यूज़ करने से पहले हाथों पे ऑयल लगाना ज़रूरी है।
ऑयल जो है यहाँ पे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पेपर मेशी को बटने के बाद में उस हम यहाँ पे फेविकॉल लगा के फिर इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करेंगे ऊपर की तरफ। और इस तरह से हम यहाँ पे जो टेक्सचर है, मैंने लाइनिंग वाला टेक्सचर यहाँ पे ब्लॉक्स बनाऊंगी, तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ये यह ब्लॉक्स बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेक्स बनाए हैं मैंने, आप कोई भी डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह से पेपर मेशी को थोड़ा हम बट लेंगे अच्छे से, और फिर इसका हम यहाँ पे बॉर्डर बनाने वाले हैं। और आप ये जो देख रहे हैं रेड कलर की बॉटल है मेरे पास में, तो ये इसमें फेविकॉल है, तो यहाँ पे हमें फेविकॉल का यूज़ करना है पेस्ट करने के लिए। किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए हमें फेविकॉल की ज़रूरत होगी, तो फेविकॉल लगाना है यहाँ पे हमें। अब इस तरह से हम यहाँ पे ऊपर फेस के ऊपर हम यहाँ पे आईज बनाने वाले हैं। गणेश जी की जो आईज हैं हम यहाँ पे पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, और उसके ऊपर फेविकॉल लगा के फिर हम यहाँ पे जो हमने पेपर मेशी की जो डोरी बनाई थी ना, तो उस तरह से हम यहाँ पे चिपका देंगे फेविकॉल लगा के। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा हमें केयरफुली इसे यूज़ करना है। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये आप फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पे हम जो पेपर मेशी है हमारी उसका यूज़ करेंगे। फेविकॉल लगाना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे कलर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक ब्राउन कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम पूरे बॉडी पे ब्राउन एक्रेलिक कलर का यूज करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये कलर पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। अब हमने यहाँ पे यूज किया है पर्ल गोल्डन कलर का। सिर्फ ऊपर से हमें ये बिल्कुल डिटेल में हमें कलर नहीं करना है, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल डिटेल में ये कलर नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही ऊपर से ये लगा रही हूँ, ताकि इसमें जो हमने टेक्सचर बनाए थे ना पहले वो अच्छे से हमें दिख पाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है अभी। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक रेड कलर का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे पर्ल कलर का यूज़ कर रहे हैं जो कि है ग्रीन कलर। आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फैब्रिक कलर या पर्ल कलर का यूज़ करें, इसमें आप कोई भी कलर आपके पास है जैसे कि फैब्रिक कलर या पर्ल कलर, इन दोनों में से किसी कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, बट पोस्टर कलर या वाटर कलर का यूज़ नहीं करना है, और ऑयल कलर का यूज़ भी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑयल कलर सूखने में बहुत टाइम लेते हैं, इसीलिए फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर या फिर पर्ल कलर का ही यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। आईज के लिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का यूज़ किया है, व्हाइट फैब्रिक कलर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, और अंदर की तरफ तो दिखती सी बात है मैंने ब्लैक कलर का ही यूज़ किया है जो कि फैब्रिक कलर में है। यहाँ पे मैंने एक तार का यूज़ किया है, तार को इस तरह से हम अच्छे से मोड़ के और इस तरह से ओम ओम का शेप क्रिएट करेंगे।
और यहाँ पे ऊपर की तरफ हम इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे पेपर मेशी से, या फिर जो आपने पेस्ट बनाया था पहले वाइट सीमेंट वाला उसका यूज़ में हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे पेपर मेशी से हम यहाँ पे थोड़ा सा इनकी ज्वेलरी बना रहे हैं अभी। अब जो ओम हमने बनाया था उसके ऊपर हमें पेपर मेशी लगाना ज़रूरी है। पेपर मेशी जब सूख जाएगी तो उस तरह से हमें यहाँ पे कलर करना है। मैंने यहाँ पे रेड कलर का कलर किया था। अब मैं यहाँ पे कुछ कुंदन का यूज़ कर रही हूँ इसे और अच्छा बनाने के लिए। हम यहाँ पे ये जो कुंदन है उसका यूज़ करेंगे। कुछ छोटे छोटे मिरर का यूज़ यहाँ पे मैंने किया है। 3D आउटलाइनर का यूज किया है मैंने यहाँ पे, जो कि व्हाइट कलर में है। तो फाइनली हमारे जो मॉडर्न गणेशा हैं वो रेडी हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।